तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल यूनिटी गुरुजी। मैं हूं गुलाब कुमार और आपके चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं जो हमें काफ़ी मदद करता है कोई भी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए जो सच होती है स्पेशली। तो हमने विकिपीडिया का नाम सुना हुआ है ऑलरेडी नेट पर। अगर हम किसी भी प्रसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं, अगर हम उससे उनका नाम गूगल या फिर विकिपीडिया में सर्च करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैं आज ऐसी एक एप्लीकेशन की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम ही है विकिपीडिया, जो हम आसानी से एज अ एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं विदाउट, अगर नेट है तो। तो हमें क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपको जो भी जानकारी चाहिए इसके थ्रू आप आसानी से ले सकते हैं विदा गूगल के गए हुए, तो आपको ये विकिपीडिया हेल्प करेगा। तो वीडियो में अंत तक बन रही है और देखती हैं कि कैसे हम विकिपीडिया यूज़ करके प्रसिद्ध अभिनेताओं या फिर बहुत सारे लोगों की जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विकिपीडिया ऐप डाउनलोड करना है तो देखिए, विकिपीडिया ऐप डाउनलोड करने के बाद विकिपीडिया आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है, ठीक है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे टुडे फीचर्स आर्टिकल दिख रहे हैं। उसके बाद हम जो भी चीज़ें चाहें, जैसे अभी रिसेंटली जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मैंने चूज़ किया हुआ, जैसे मैंने इंग्लिश में डाला है विराट कोहली, जैसे मैं सर्च करता हूँ विराट, तो देखिए यहाँ पे इसमें विराट मीन्स विराट के नाम से जो भी चीज़ें होंगी, देखिए विराट, विराट कोहली, विराट सिंह इंडियन क्रिकेटर वो भी रह चुके हैं, विराट परवा। तो मैं विराट कोहली के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो मुझे विराट कोहली के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे देखिए विराट कोहली की सारी डिटेल्स आ गई हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है, बॉर्न 5 नवंबर 1988 इंडियन क्रिकेटर, हो करेंटली कैप्टन द इंडियन नेशनल टीम। तो ये कहानी दर्शा रहा है कि वो उनका जन्म ये दिन हुआ है, उसके बाद वो कैप्टन्स रह चुके हैं इंडियन नेशनल टीम के, है ना। तो उसके बाद से अगर हम चाहेंगे तो हम हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में चेक करते हैं तो विराट कोहली की सारी डिटेल्स हमें हिंदी में भी मिल जाएंगी, और हम सेव करना चाहें तो यहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं, विराट एट एडिंग लिस्ट हो गया, तो ये सेव हो गया हमारा। अगर हम इसको शेयर करना चाहेंगे तो भी हम शेयर कर सकते हैं जिससे चाहें। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं, जैसे आपको जो लैंग्वेजेस चाहिए, ऑलमोस्ट 300 लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर, तो आपको जैसे चाहिए हिंदी इंग्लिश मराठी, देखिए मराठी भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मराठी भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो मराठी में भी वो सारी डिटेल्स हमें उसी तरीके से मिल जाएंगी, तो हम वो भी रीड कर सकते हैं, जैसे टॉप ऑफ द लैंग्वेज जो भी होगा वो चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के बारे में जानकारी क्या क्या दी गई है। कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉजेस डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड। तो जानवरों में ये बेसिकली पाया जाता है, इन ह्यूमन दैट वायरस कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच आर टिपिकली माइल्ड इंक्लूडिंग द कॉमन कोल्ड, हाउएवर रेस फ्रॉम सच एज सार्स मेर्स एंड नोवल्स कोरोना वायरस कॉजिंग द करंट आउटब्रेक कैन बी लीथल इन काउस एंड पिग्स, दे मे कॉज डायरिया, व्हाइल इन चिकन्स दे कैन कॉज एन अपर रेस्पिरेटरी डिजीज। देयर आर नो वैक्सीन्स और एंटी वायरल ड्रग्स दैट आर अप्रूव फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो भी ये रिसेंटली पाया गया स्पेशली इन चाइना केसेस में, तो चाइना में हो गया। उसके बाद अभी इंडिया में भी एक दो केसेस आ गए हैं, जैसे केरला में अभी न्यूज़ में ऑलरेडी छाया हुआ है वो, और कैसे चल रहे हैं तो इसके लिए हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद से अभी तक इसका प्रिवेंशन नहीं मिला है, कोई वैक्सीन्स नहीं आई हैं वायरल की। तो ऐसे हम विकिपीडिया में जाकर जो भी हमें जानकारी चाहिए, जिसके बारे में भी चाहिए, वो हम ले सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ अमिताभ, तो अमिताभ बच्चन के बारे में मुझे जो भी जानकारियाँ चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पर ले सकता हूँ सारी जानकारियाँ, है ना। तो सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होंगी, तो हमें जैसे चाहिए हम वैसे ले सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बड़ा देखिए अमिताभ बच्चन के बारे में जानकारी हम हिंदी इंग्लिश जैसे भी ले सकते हैं। तो ऑलरेडी बच्चन साहब की जानकारियाँ सारी के सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ऐसे ही हम विकिपीडिया को यूज़ कर सकते हैं आसानी तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आसानी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। और होगा क्या कि कभी कभी हम वेबसाइट में जाके हम सर्च करते हैं, तो विकिपीडिया ऐप है तो डायरेक्टली हम जो भी चीज़ें चाहें वहाँ पे जाके
सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जानकारी आसानी से पा सकते हैं। तो विकिपीडिया ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और उसे यूज़ करें आसानी तरीके से। तो क्या करना है हमें, प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, विकिपीडिया ऐप से यूज़ करना है, और मेरा तो बहुत अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, अगर आप कुछ रीड करना चाहते हैं तो किसी के बारे में, जो कि अब टैब पे या फिर मोबाइल में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं रीड करने के लिए, तो विकिपीडिया ऐप को यूज़ कर सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।